नमस्कार दोस्तों, क्या स्पर्म काउंट और स्पर्म मोर्टेलिटी बढ़ाई जा सकती है, उनकी क्या क्या दवाइयाँ हैं, उसके बारे में मेरा एक और वीडियो है। पर आज हम बात करेंगे दो स्पेशल दवाइयों की, एल कार्निटिन और CoQ10। एल कार्निटिन और CoQ10 ये कॉमन दवाइयाँ हैं जो नॉर्मली हर इनफर्टाइल पेशेंट को या हर मरीज जिसको अपना स्पर्म हेल्दी रखना है या जिसका स्पर्म खराब हो गया है उसमें दी जाने से स्पर्म में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एल कार्निटिन और CoQ10 दवाइयाँ क्या है, इनकी डोज क्या होनी चाहिए, इन दवाइयों से क्या फ़ायदा होता है, ये दवाइयाँ काम कैसे करती है और इन दवाइयों के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे दवाई एल कार्निटिन से। एल कार्निटिन जितनी भी दवाइयाँ हैं मार्केट में जो आपको कभी ना कभी अगर स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए दी गई होगी, जैसे पॉप्सन है या वी लाइको प्लस है या क्वैंग है या और भी कई दवाइयाँ हैं, उसमें बहुत सी दवाइयाँ और भी होती है। तो नॉर्मली एंड्रोलॉजिस्ट होने के नाते हम हर दवाई को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करते हैं कि आपको वो दवाई कितना फ़ायदा कर रही है और आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो उसको सूट कर रही है। बट उन सब दवाइयों में यूजुअली एल कार्निटिन नाम की दवाई ज़रूर होती है जो नॉर्मली 500 mg से लेकर 3 ग्राम की डोज तक हो सकती है। तो क्यों एल कार्निटिन को डाला जाता है? तो बेसिकली समझे तो एल कार्निटिन बेसिकली एक अमीन है। अमीन मतलब एक विटामिन जो शरीर के अंदर ही नॉर्मली बनता है। ये जो विटामिन है, ये जो अमीन है, इसका मेन फंक्शन दो होते हैं। पहला फंक्शन तो ये है, आप अगर समझे तो बॉडी जो हमारे बॉडी में कोई भी सेल है, चाहे वो मस्तिष्क का सेल हो, चाहे वो लिवर का सेल हो, चाहे वो स्पर्म का हो, वो एक सेल है, वो एक जीवाणु है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल है और हर सेल को जीने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो सेल में, हमारी हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करके एक एनर्जी सोर्स होता है या फर्नेस होती है या बिजली का सोर्स होता है जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जाएगा, उसको ये जलाएगा और उसे एनर्जी बनाएगा। हो सकता है उसके अंदर फैट जाए। तो जैसे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्स है, जैसे हम भी है घर में, आप लकड़ी जला सकते हो, कोयला जला सकते हो, पेट्रोल जला सकते हो, उसी तरह शरीर के अंदर भी एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज जलता है, फैट जलता है, कीटोन जलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से एनर्जी मिलती है। तो नॉर्मली जो लिपिड ऑक्सीडेशन है या जो फैट को जलाने की प्रक्रिया है उसमें एल कार्निटिन का बहुत मेजर रोल है। और वो सारे सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म है, सीमन में है, वो योनि में गया, तो जहाँ पर ग्लूकोस पाने के लिए आपको बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है। अगर आपका स्पर्म बॉडी से निकल गया तो उसकी जो एनर्जी सोर्स है वो सीमन के अंदर होती है। तो नॉर्मली अगर हम समझे तो जैसे अगर सीमन है, सीमन के अंदर भगवान ने ऐसा डिजाइनिंग किया है कि उस सीमन के अंदर जो सफ़ेदी है उसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, फैट भी होती है और वो सब चीज़ें होती है जो उस स्पर्म को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। पर उस स्पर्म को, वो एनर्जी को यूज़ करने के लिए एल कार्निटिन की ज़रूरत है। तो एल कार्निटिन जो है वो बेसिकली स्पर्म को एनर्जी यूज़ करने में हेल्प या एनर्जी को प्रॉपरली इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर एल कार्निटिन की कमी हो जाए तो उस कारण से स्पर्म के अंदर काफ़ी डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और अगर हम एल कार्निटिन को सप्लीमेंट कर दें तो वो एल कार्निटिन ब्लड से पहले जाता है एपिडिडिमिस में। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडिमिस एक एरिया होता है जहाँ पर स्पर्म मैच्योर होता है। ये जो एल कार्निटिन है ये एपिडिडिमिस में जाके स्पर्म में एंटर करके स्पर्म को मैच्योरिटी में हेल्प करता है। तो अगर किसी मरीज को स्पर्म की क्वांटिटी की दिक्कत है या स्पर्म की क्वालिटी की दिक्कत है या उसका हम कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है देखना कि उसके जो स्पर्म के बाकी सारे पैरामीटर्स है वो भी ठीक रहे, जैसे टेम्परेचर ठीक रहे, ऑक्सीडेशन ठीक रहे, पर सबसे ज़रूरी है कि एल कार्निटिन लेवल्स भी ठीक रहे ताकि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो स्पर्म टेस्टिस में बन के एपिडिडिमिस में आया है और अब उस स्पर्म को ट्रैवल करना है सीमन तक, उसको अपनी एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिले। तो एल कार्निटिन का इसके अंदर एक बहुत ही ज़रूरी रोल है। नॉर्मली एल कार्निटिन को 500 mg की डोज से लेकर 3 ग्राम की डोज तक दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट को कितनी सीवियर दिक्कत है और पेशेंट को कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो एल कार्निटिन से काफ़ी सारे पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। सीमन गाढ़ा हो जाता है, सीमन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, स्पर्म के नंबर इंप्रूव हो जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी इंप्रूव हो जाती है, जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन रेट है। नॉर्मली स्पर्म को हम चेक करते हैं सिर्फ लैब में, अब वो स्पर्म को योनि में जाके, योनि से ट्रैवल करके अंडाशय तक जाना है, तो उसकी जो ट्रैवलिंग है, उसकी जो वहाँ पर जाके एग से मिलन है या मोटे या फर्टिलाइजेशन है या प्रेगनेंसी रेट्स है, एल कार्निटिन उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करता है।
तो एल कार्निटिन एक बेसिक दवाई है जो स्पर्म की हेल्थ के लिए अत्यंत जरूरी है और इसको सही मात्रा में लेना आवश्यक है। पर एल कार्निटिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर एल कार्निटिन को बहुत अधिक मात्रा में दे दिया जाए तो ये डैमेज भी कर सकता है, ये क्योंकि एल कार्निटिन जो है वो कई बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या स्पर्म्स को मार भी सकता है। तो एल कार्निटिन को सही तरह से यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट आते हैं, उनको एल कार्निटिन से भरी दवाइयों को एक लार्ज डोज में दिया गया होता है, पेशेंट को लगता है कि दवाई से फ़ायदा हो रहा है, ओवरडोज भी ले लेता है। तो एल कार्निटिन को समझ के सुरक्षित तरह से यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर जो दूसरी दवाई जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है CoQ10 या CoQ10। इस दवाई को कई बार उबिक्विनोलोन के रूप में भी आपके जो दवाई के पैकेट पे लिखा होता है, ये दवाई भी 50 mg से लेकर 200 mg या 300 mg तक की डोज में ली जाती है। और CoQ10 भी एक अत्यंत आवश्यक और अत्यंत हेल्पफुल मेडिकेशन है स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। CoQ10 बेसिकली, अगर हम मैं बहुत समझाऊँ बहुत सिंपल तरीके से, तो बेसिकली जब भी हमारी जो बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो हमको उसके अंदर कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटलिस्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेट्रोल है और आपको आग जलानी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, पर उस आग को लगाने के लिए जो माचिस इस्तेमाल करते हैं उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। और कोएंजाइम Q10 का यही काम है। अगर कोएंजाइम Q10 नहीं होगा तो कितना भी आप ग्लूकोज, कितना भी फैट आप स्पर्म को दे दो, स्पर्म उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो CoQ10 का मेन काम लिपिड या फैट की प्रोक्सीडेशन में आता है। प्लस CoQ10 एक बहुत ही सुपर एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी का। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? नॉर्मली हम जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन में पैदा हुए हैं। हमारे शरीर में 21% ऑक्सीजन हम हमेशा सांस में लेते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन स्ट्रेस बन जाता है कई बार। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे शरीर में अच्छे ऑर्गन हैं, अच्छी चीज़ें काम कर रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उस पर चढ़ के उनको ख़राब करता है। तो CoQ10 क्या करता है कि वो CoQ10 ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस या ऑक्सीडेशन जो फ्री रेडिकल्स है जो ये बॉडी में डैमेज कर रहे हैं इनको पकड़ता है। जैसे कोई स्पंज हो, जहाँ ये होगा वहाँ पर डैमेज होने वाले प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे या आएंगे भी तो ये उनको एब्जॉर्ब करता है। तो इन दो मैकेनिज्म के कारण CoQ10 स्पर्म्स को हेल्दी रखने में काम करता है। CoQ10 का मेन रोल टेस्टिस के अंदर है। नॉर्मली कोई भी है, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा किसी भी बीमारी से ज़्यादा बीमार हो जाएगा वर्सेस एक हेल्दी यंग। तो जो टेस्टिस में जब स्पर्म बन रहा होता है, जब अर्ली फेज होते हैं स्पर्मेटोगोनिया के, जहाँ पर स्पर्म की अर्ली डेवलपमेंट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजर होता है इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। वहाँ पर CoQ10 जाके स्पर्म के अर्ली फेज में बहुत हेल्पफुल होता है। तो काफ़ी सारे पेशेंट जिनमें मैचुरेशन अरेस्ट है या मैच्योर नहीं हो रहे स्पर्म्स, उसमें CoQ10 जाके उन स्पर्म्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है और उन स्पर्म्स को हेल्दी होने में हेल्प करता है। CoQ10 देने से भी स्पर्म काउंट बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, मोटिलिटी बढ़ती है, फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ता है। पर CoQ10 का जो मेन रोल है वो टेस्टिस के अंदर अर्ली फेज में जब स्पर्म प्रोडक्शन चालू है उस टाइम होता है। तो स्पर्म को बढ़ाने की हज़ारों दवाइयाँ हैं, हज़ारों तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। ज़रूरी है एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को समझना कि इन दवाइयों को कब किस पेशेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए। कई बार डोज प्रॉपर सेटल नहीं होती है, कई बार प्रॉपरली ली नहीं गई होती है, कई बार एब्जॉर्ब नहीं होती है, कई बार उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो हर दवाई को सही से सेट करके पेशेंट को दे तो पेशेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होता है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि स्पर्म काउंट नहीं बढ़ सकता, मोटिलिटी नहीं बढ़ सकती, स्पर्म से पेशेंट ठीक नहीं होते। 90% पेशेंट्स में अगर कॉज पकड़ा जाए तो स्पर्म काउंट में, मोटिलिटी में, नंबर में, फर्टिलाइजेशन रेट में, प्रेगनेंसी रेट में, हर चीज़ में फ़ायदा मिलता है। मैं नई दिल्ली इंडिया में मेल इनफर्टिलिटी मतलब पुरुष मांझपन के लिए स्पेशलिस्ट सर्जन और डॉक्टर हूँ। कोशिश रहती है कि पेशेंट्स को IVF ना कराना पड़े, पेशेंट्स को अपनी संतान खुद मिले, पर हम सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करते हैं। साइंस में लिमिटेशंस है, साइंस झूठ नहीं बोलती, साइंस फॉल्स होप नहीं देती, साइंस ये नहीं बोलती कि आप पक्का ठीक हो जाओगे। अगर आप में बीमारी पकड़ी गई और वो बीमारी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो ज़रूर करेंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।